Assalamu alaikum, dear students. So today I am going to deliver the lecture for the class entrance, and the topic is about the variation on G due to depth. So you might remember in the previous lecture I discussed about the variation on G due to height. So, as the body is raised above from the surface of the earth, you have seen that the value of G decreases. But why it decreases? Because when you raise an object above from the surface of the earth, then you are actually increasing the separation between the center of earth and the center of object. When you are increasing the separation, then according to Newton's law of gravitation, you are decreasing the force. When you are decreasing the force of attraction, then you are, according to Newton's second law, you are decreasing the acceleration. So therefore, acceleration due to gravity decreases. Now the question is that, what will happen to the G? What will happen to the acceleration due to gravity when a body is taken deep inside the earth? मान लो बेटा ये अर्थ की सरफेस है, आपने इस ऑब्जेक्ट को अंदर लिया, डीप इनसाइड द अर्थ लिया, कितनी डेप्थ तक नीचे लिया, तो ए डेप्थ डी, वेयर दिस डी इज मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बेटा क्या होगा एट दिस डेप्थ डी? नाउ टेल मी, आपका ऑब्जेक्ट यहां था, आपने उसको यहां लाया, नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट? ऑब्वियसली इट इज आर माइनस डी। पहले कितनी डिस्टेंस थी जब ऑब्जेक्ट सरफेस पे था? आर। नाउ जब आपने इसको डेप्थ डी तक लिया, ऑब्जेक्ट अब यहां है, मान लो इस पॉइंट का नाम हम पी रखेंगे बेटा। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज एट पॉइंट पी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ? नाउ आर माइनस डी। सो दैट मीन्स अगर देखा जाए, आप जब अर्थ ऑब्जेक्ट को डीप इनसाइड द अर्थ ले रहे हो, यू आर एक्चुअली रिड्यूसिंग द सेपरेशन बिटवीन देम। व्हेन यू आर रिड्यूसिंग द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ इज इनवर्सली एस आर स्क्वायर। सो व्हेन यू रिड्यूस द सेपरेशन, एक्चुअली द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड इंक्रीज, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स बेटा किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। सो व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, इट विल लीड टू एन इंक्रीज इन एन एक्सेलरेशन। सो उससे क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के बढ़ने से क्या बढ़नी चाहिए? एक्सेलरेशन। दैट मीन्स जी शुड इंक्रीज, बट दिस थिंग डज नॉट हैपन। एक्चुअली जब आप ऑब्जेक्ट को अर्थ के अंदर लेते हो, ये देखा गया बेटा जी फिर से डिक्रीज ही होता है। लेकिन क्यों डिक्रीज होता है बेटा? अभी हमने वो एक लॉ है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ कहते हैं, वही गॉसेस लॉ हम ग्रेविटेशन में भी यूज करते हैं, और यहां पे उसका नाम पड़ता है बेटा गॉसेस लॉ इन ग्रेविटी। Gauss's law in gravity. तो later on next lecture में मैं वो discuss करूंगा, लेकिन फिलहाल आप ऐसे याद रखोगे, जब आपने object को deep inside the earth लिया, now take this O as center, take this O as and this R minus D as radius, R minus D as draw the sphere. क्या डालना है बेटा? sphere, वो sphere ये आ गया ना। now इस स्फीयर के अंदर अंदर जो भी अर्थ का मास है, खाली वो इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स डालेगा। अब इस स्फीयर के बाहर बाहर जो अर्थ का मास आ रहा है, उसको मैंने क्रॉस से दिखाया है। क्यों दिखाया है? दैट मींस वो मास जो है, इसको एक्सक्लूडेड मास कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक्सक्लूडेड मास। और इस मास की वजह से ग्रेविटेशनल या नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे नहीं होगा। सो मुझे बताओ, यहां पर ऑब्जेक्ट पॉइंट पी पे है, बताओ उस ऑब्जेक्ट पॉइंट पी पे कौन सा हिस्सा, मास ऑफ अर्थ का कौन सा हिस्सा फोर्स डालेगा? क्या ये वाला हिस्सा फोर्स डालेगा? नहीं।
बल्कि कौन सा डालेगा जो इसके अंदर अंदर आ रहा है, जो इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ रहा है। कितना स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस कितना है, आर माइनस डी। तो इसके अंदर अंदर जितना भी मास है खाली बेटा वो फोर्स डालेगा। सो दैट मींस व्हेन यू आर टेकिंग द ऑब्जेक्ट डीप इनसाइड द अर्थ तो क्या होगा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस घट जाएगा ना, छोटा छोटा हो जाएगा ना। तो जब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस छोटा छोटा हो रहा है तो मास ऑफ अर्थ विच एक्सर्ट्स द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेस। तो यहां पर जब मास घट गया, न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। तो यहां जो मास ऑफ अर्थ है ये बन गया ना इफेक्टिव मास। तो अब सारा मास ऑफ अर्थ तो फोर्स नहीं डाल रहा है, जितना जितना अर्थ के अंदर जा रहे हो उतना इफेक्टिव मास घटेगा, और इफेक्टिव मास के घटने से ग्रेविटेशनल फोर्स घटेगा और उससे एक्सेलरेशन भी घटेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जी पे इफेक्ट पड़ता है, एक है सेपरेशन फैक्टर, दूसरा है मास फैक्टर। लेकिन ओवरऑल मास फैक्टर इज द डोमिनेंट वन। तो मास जब घट गया तो ओवरऑल फोर्स घटता ही है। सो दैट मींस वेदर यू रेज द ऑब्जेक्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ you are taking the body deep inside the earth, in both the cases the acceleration due to gravity decreases. But why here it decreases? Because as the body is taken deep inside the earth, that mass of the earth, that effective mass of the earth which exerts the gravitational force of attraction decreases. So wo jab decrease hua to force bhi beta decrease ho gaya. So now I hope that this is clear to you how g decreases when the body is taken deep inside the earth. Lekin ab dekho beta, on the surface of earth tell me, dekho beta agar surface of earth pe aap object ले रहे हो, मान लो ये point q है, आप मुझे बता सकते हो यहां पर center of earth और object में कितनी distance है, और with o as center and r as radius, ये पूरा earth का radius आ रहा है ना sphere of influence में, तो जो point सरफेस ऑफ अर्थ पे उस पे कितना अर्थ का मास फोर्स डालता है, पूरा का पूरा अर्थ, द होल मास ऑफ द अर्थ एक्सर्ट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दैट ऑब्जेक्ट विच लाइज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स, वो पॉइंट्स जो अर्थ के अंदर अंदर है तो उन पे सारे अर्थ का मास फोर्स नहीं डालता है। वहां पर जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को पॉइंट पी पे लिया तो यहां पर ओ एज सेंटर एंड आर माइनस डी एज रेडियस, ये बन गया अर्थ का वो हिस्सा, वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो इस पॉइंट पी पे नेट फोर्स डालेगा, ये वाला हिस्सा कोई भी फोर्स नहीं डालेगा। सो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी, जी इज इक्वल टू जी यस एम बाय आर स्क्वायर, वेयर दिस एम इज द होल मास ऑफ द अर्थ, बट एट डेप्थ डी, एट डेप्थ डी, बोलो बेटा डेप्थ डी पे मान लो वहां ग्रेविटी जी डैश से दिखाएगी, यहां पर जो ग्रेविटी है वो जी डैश है, तो वो कितनी आएगी जी, क्या सारे अर्थ का मास या वो मास जो इसने यहां पे एनक्लोज किया है, तो यहां पर उसको कौन सा मास कहते हैं, इफेक्टिव मास, एम इफेक्टिव से दिखाएगी, डिवाइड क्या करना है डिस्टेंस, क्या है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड ओ, हियर इट इज आर माइनस डी का होल स्क्वायर। ओके सो नाउ मैं क्या कर रहा हूं बेटा, बेटा हम इस मास को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा था जब आप कोई भी वेरिएशन आ रही है, अगर कोई वेरिएबल या अगर कोई क्वांटिटी कॉन्स्टेंट रहती है तो उस इक्वेशन को उसी कॉन्स्टेंट में लिखना चाहिए। नाउ वी कंसिडर दैट दिस अर्थ इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर, यूनिफॉर्म मीन्स जितना आप अंदर जा रहे हो उससे इसमें कोई डेंसिटी में कोई फर्क, सो एज यू गो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ द अर्थ देर इज नो वेरिएशन इन द ग्रेविटी, देर इज नो चेंज इन द ग्रेविटी। सो टेल मी एम इज द होल मास ऑफ द अर्थ, हम लिख सकते हैं ना वॉल्यूम ऑफ द अर्थ होल अर्थ मल्टीप्लाई बाई द डेंसिटी ऑफ द अर्थ। सो बता बेटा मास ऑफ द अर्थ किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेक इट एज अ परफेक्ट स्फीयर, इट इज 4/3 पाई आर क्यू इनटू रो। सिमिलरली बोलो इफेक्टिव मास पॉइंट पी पे कितना आएगा, एम डैश कितना आएगा बेटा,
वाई गना वी डैश, पूरा वॉल्यूम आपसे फिर नहीं आएगा, वो वॉल्यूम आएगा जिसका रेडियस आर माइनस डी है मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी। बोलो बेटा वी डैश के बदले क्या लिखना है, 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यू इंटू रो। समझ आया? सो एम ये आ गया, एम डैश ये आ गया, तो जी में सबस्टिट्यूट कर लेंगे बेटा, क्या आएगा बेटा बताओ, जी हमें किसके बराबर था, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो बेटा वो कितना आएगा, जी बाय आर स्क्वायर, एम के बदले क्या लिखना है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। सो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर के साथ कैंसल, तो जी कितना निकला बेटा, 4 पाई जी रो आर बाय 3। ओके नाउ व्हाट विल बी सिमिलरली बेटा, जी डैश क्या निकलेगा, इक्वेशन तो यही आएगी खाली, आर के बदले क्या आएगा, आर माइनस डी। सो जी डैश विल बी इक्वल टू 4 पाई जी रो आर माइनस डी यस डिवाइडेड बाय 3। ओके सो नाउ डिवाइडिंग दिस जी डैश बाई जी, टेक दिस एज फर्स्ट एंड टेक दिस वन एज सेकेंड। तो बेटा क्या आएगा, डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट, तो g डैश बाई जी बेटा कितना आएगा, इट विल बी इक्वल टू r, बाकी सब कैंसल हो जाएगा, यू कैन सॉल्व इट, इट इज क्वाइट सिंपल टू सॉल्व, r माइनस डी बाय आर। सो बेटा g डैश किसके बराबर आ गया, g बेटा इसको स्प्लिट करो, r बाय आर इज 1 माइनस डी बाय आर। सो बेटा यहां पर कितनी ग्रेविटी होगी at depth d where this d is measured from the surface of earth, wo beta is formula se aapko niklega, g is the gravity on the surface, g dash is the gravity at depth d where this depth d is not measured from the center but is measured from the surface of earth and r is the radius of earth, is that clear? लेकिन बेटा मैंने बताया था वेरिएशन और जी डी, तो हाइट में हम क्या करते थे, वहां पे दो फॉर्मूलाज अप्लाई होती थी, एक वो जब हाइट कंपेरेबल हो और दूसरी तब यूज होती थी जब हाइट इनकंपेरेबल हो, बट हियर वी डोंट हैव सच प्रॉब्लम। यहां पर क्या होगा, यहां पर बेटा हाइट कंपेरेबल हो हाइट इनकंपेरेबल हो दोनों केसेस में बेटा हमें सेम रिलेशन अप्लाई करनी है। बट अब आपको यहां पर जैसे मैं एक केस यहां पे बना रहा हूं स्पेशल केस, सपोज आपने इस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ अर्थ पे पहुंचाया, सीधे डीप इनसाइड द अर्थ लिया, इतना डीप लिया कि आपने उस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ अर्थ पे पहुंचाया, सो देयरफॉर नियर द सेंटर ऑफ अर्थ या एट द सेंटर ऑफ अर्थ बेटा क्या होगा, सेंटर ऑफ अर्थ पे ये जो डेप्थ बनेगी, डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, आप कितना नीचे जा रहे हो, इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, सीधे अकल है, जब आप सेंटर ऑफ अर्थ पे पहुंचे तो सरफेस ऑफ अर्थ से वो कितनी दूरी पे है, आर, सो व्हाट इज द डेप्थ हियर, आर, सो व्हाट विल बी द ग्रेविटी देयर, जी डैश, यस व्हाट इज द फॉर्मूला, जी 1 माइनस डी बाय आर। So simply, when d is r, r by r is 1, 1 minus 1 is 0. So what will be the gravity at the center? So what is the gravity at center? 0. But up on the geometrical basis, on the physical basis, why g is 0? Listen, jab aapne center of earth pe object ko rakha, to bata beta, wahan center of earth aur us object ke beech mein kitni separation hai? 0 hai na? To radius kitna ban gaya? 0. और जब रेडियस जीरो बन गया तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की उसका वॉल्यूम कितना होगा उस स्फीयर का, जीरो। सो व्हेन वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर इज जीरो, हाउ मच मास ऑफ द अर्थ विल एक्सर्ट द फोर्स ऑन इट, जीरो। सो व्हेन मास ऑफ द अर्थ इज जीरो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज जीरो, सो जी इज जीरो, इज दैट क्लियर? फिर से सुनो, सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होगा, कितना मास एनक्लोज होगा, अर्थ का कितना मास एनक्लोज होगा, कुछ भी नहीं।
अगर यहाँ पे आप रेडियस डालोगे भी उसका रेडियस जीरो आएगा, जिस चीज़ का रेडियस जीरो होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, जीरो। तो वहाँ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कितना आ गया, जीरो। वहां कितने अर्थ का मास फोर्स डालेगा, इफेक्टिव मास कितना आएगा, जीरो, बिकॉज वॉल्यूम, व्हेन वॉल्यूम इज जीरो मास इज ऑल्सो जीरो। सो वहां पर ग्रेविटी भी कितनी होगी बेटा, जीरो। सो एट द सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो। इज दैट क्लियर? नाउ आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहां पे पहले आपको दिखाना चाहता हूं। व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन जी व्हेन अ बॉडी इज टेकन टू अ डेप्थ इक्वल टू आर बाय 100 किलोमीटर। कितना नीचे लिया है बेटा, आर बाय, हमने ऑब्जेक्ट को डीप लिया है, टू अ डेप्थ आर बाय 100। What will be the percentage change? पहले G dash formula बताओ। G 1 minus what is the depth? R by 100। और बेटा यहाँ पे अपना R है, because it is D by R, R R cancel। So how much is it? So यहाँ पर जो G dash आएगा, आएगा बेटा G 1 माइनस 1 बाय 100, ओके 1, दैट इज 99 बाय 100। या ऐसे करेंगे, इसको बेटा ऐसे रखो, 1 माइनस 1 बाय 100। नाउ हमें क्या करना है बेटा, हमें परसेंटेज चेंज निकालनी है। मैंने अभी बताया आपको, पहले भी बहुत बार समझाया है, परसेंटेज चेंज के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले रेशियो निकालना है, फाइनल बाय इनिशियल, देन सब्ट्रैक्ट वन ऑन बोथ साइड्स, देन मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल गिव यू द परसेंटेज चेंज। तो क्या करना पड़ेगा, जी को नीचे लाना पड़ेगा, जी डैश बाय जी, यहां से क्या बचेगा बेटा, 1 माइनस 1 बाय 100। फिर क्या करते हैं बेटा, फिर नहीं करना है सब्ट्रैक्ट वन ऑन बोथ साइड्स। जब 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे ऑन बोथ साइड्स, नाउ इट इज क्वाइट इजी, ये वन एक खत्म हो जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा, जी डैश बाई जी माइनस 1, बेटा यहां क्या निकलेगा, माइनस 1 बाई 100। यस, सो यहां पे इसको क्रिस क्रॉस करके ये आएगा डेल्टा जी बाई जी एंड मल्टीप्लाई 100% ऑन बोथ साइड्स, बेटा वो क्या देगा, वो आपको परसेंटेज चेंज देगा। सो 100 एंड 100 कैंसल, तो कितने परसेंट डिक्रीज होगी ग्रेविटी, 1%। सो व्हेन अ बॉडी इज टेकन टू एट, माइनस से दिखाता है डिक्रीज, सो व्हेन अ बॉडी इज टेकन टू एट डेप्थ आर बाय 100, दैट इज ऑलमोस्ट हाउ मच, 64 किलोमीटर आप अर्थ के सरफेस के नीचे जा रहे हो, तो ग्रेविटी कितनी डिक्रीज हो गई, 1%। सो आपके लिए एक क्वेश्चन मैं रखूंगा, वो जो आप खुद करोगे बेटा, वो ये है, एट व्हाट डेप्थ G is reduced to 80%, ओके, या ऐसे G is reduced by 80%, सो कितना डिक्रीज हुआ है ग्रेविटी, 80%, समझ आ रहे हैं, अगर टू मैं लिख रहा हूं दैट मीन्स 20% रिड्यूस हुआ है, लेकिन मैं क्वेश्चन को समझो, G इज रिड्यूस्ड बाय 80%, 80% खत्म हुआ है, 20% ही बच गया है, सो ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 80% हियर, तो किस डेप्थ पे ऐसा होगा वो आप निकालना। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट 2017 में भी आया है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो वो बेटा इट इज नीट 2017 में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ये है, द जी एट हाइट 1 किलोमीटर
above the earth, is same as at a depth B below the surface of Earth. Below the surface of Earth. Okay, then options diye hai. Then option A is then D is equal to 2H. Option B hai H is equal to 2D. Option C hai D is equal to H. Option 4th hai none. So try to understand the question. Question hai, jab main earth ke surface se beta kitna uncha gaya hu, kitna upar gaya hu, 1 kilometer. वहां पर जितनी ग्रेविटी है, मान लो वहां पर ग्रेविटी है जी एच, मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा जैसे यहां पर रफ दिस डायग्राम, मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं ऐसे है बेटा, ये अर्थ है ना, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, मैं अर्थ के सरफेस के ऊपर गया हूं कुछ हाइट एच पे, मान लो वहां पर ग्रेविटी है जी एच, ओके ये हाइट कितनी इसने ली है 1 किलोमीटर, सो हियर एच इज 1 किलोमीटर, वहां पर ग्रेविटी जो है वो है जी एच. नाउ उतनी ही ग्रेविटी हमें मिल रही है कहां पे, जब मैं डेप्थ डी जा रहा हूं बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. मान लो मैं बेटा यहां से अब अर्थ के सरफेस के नीचे गया हूं, आपको पता है दोनों केसेस में ग्रेविटी घटती है, तो मैं नीचे कितना गया हूं तो एट डेप्थ डी, और वहां पर भी मान लो वहां पर ग्रेविटी हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय जी सबस्क्रिप्ट डी. ये देखा गया, क्वेश्चन ये बता रहा है कि दोनों इस हाइट एच पे और इस डेप्थ डी पे दोनों पे देखा गया कि ग्रेविटी सेम है. एज पर द क्वेश्चन जी एट हाइट एच इज इक्वल टू जी एट डेप्थ डी, तो बताओ बेटा अगर मुझे वो ग्रेविटी एच जी एच किस हाइट पे मिल रही है 1 किलोमीटर, बताओ इतनी ही ग्रेविटी डेप्थ में किस डेप्थ पे मिलेगी. मान लो आपकी ग्रेविटी कितनी है हाइट 1 किलोमीटर पे जी एच, अब मैं देखना चाहता हूं मैं कितना डीप जाऊं टुवर्ड्स द अर्थ ताकि मुझे उतनी ही ग्रेविटी मिले जितनी इस सरफेस ऑफ अर्थ पे मिल रही है. क्वेश्चन समझो, द जी एट हाइट एच 1 किलोमीटर अबो द अर्थ is same as at a depth d below the surface of earth, then what is the relation between d and h? To kya karoge? As per the question, g at h is equal to g at d. What is g at h formula? Formula kya hai? Ye 1 kilometer ki distance hai. To incomparable ki formula use karege. G h, g at height h kya formula hai? G times 1 minus 2h by r is equal to, bolo beta g at depth क्या आएगा, 1 माइनस डी बाई आर जी इज द दिशा, सो द जी जी विल कैंसल, 1 1 विल कैंसल, ओके माइनस माइनस विल कैंसल, दिस आर एंड दिस आर विल कैंसल, आप देखो यहां डेप्थ निकलेगी ट्वाइस एच. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 1 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हो वहां पर कुछ ग्रेविटी आ रही है मान लो 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर आप चाहते हो डीप इनसाइड द अर्थ भी मुझे उतनी ही ग्रेविटी मिले तो आपको पता है आपको कितना डीप जाना है, 2 times h, दैट मीन्स 2 किलोमीटर नीचे जाना है. दैट मीन्स अगर आपको अर्थ के सरफेस से ऊपर से किसी हाइट h पे कुछ ग्रेविटी मिल रही है, मैं चाहता हूं कि उतनी ही ग्रेविटी डीप इनसाइड द अर्थ भी मिल जाए, तो आपको अर्थ के कितना डीप जाना है, 2h. So what is the relation between depth and h? It is d is equal to 2h. So मान लो आप 100 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हो, वहां पर कुछ ग्रेविटी आ रही है, मैं चाहता हूं कि अर्थ के सरफेस से मैं डीप इनसाइड द अर्थ जाऊं ताकि उतनी ही ग्रेविटी मिल जाए, तो बेटा कितनी डेप्थ होनी चाहिए, 200 किलोमीटर.
अच्छा उल्टा मैं बता रहा हूं, मान लो मैं डीप इनसाइड द अर्थ जा रहा हूं 100 किलोमीटर, वहां पे कुछ ग्रेविटी आ रही है, मैं चाहता हूं कि मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर जाऊं, कितना ऊपर जाऊं ताकि उतनी ही ग्रेविटी मिले, देन इट इज हाफ, सो डी बाई टू, एच इज इक्वल टू डी बाई टू। अगर 100 आप नीचे गए हो तो 50 ही ऊपर जाना है, अगर आप 100 ऊपर गए हो तो नीचे कितना जाना है ताकि उतनी ग्रेविटी मिल जाए, दैट मीन्स 200 किलोमीटर। सो एट वट डेप्थ we receive, we get the same gravity as that at height h, that depth is equal to 2h. 1 kilometer upar gaye ho, to depth kitna lena hai? 2 kilometer. So this was about the variation on g due to depth. In the next lecture, I am going to discuss the variation on g due to rotation of the earth.